अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरे टाइटल पर ना जाएं। मेरे टाइटल तो अक्सर ऐसे ही चवल किस्म के होते हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करें और फिर अपनी कोई राय कायम करें। मुनीबा मजारी को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत प्रोमिनेंट नाम है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आजकल वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, न्यूज़ में हैं। वो बहुत से टीवी शोज़ पर आती हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो काम भी करती हैं। वैसे तो उनके कई क्लिप्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जो वायरल हैं, जिनमें वो कोई नेशनल सॉन्ग गा रही हैं या मोटिवेशनल स्पीचेस उनकी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पिछले एक महीना पहले, पिछले दिनों गोलकास्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनकी एक वीडियो लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और उसमें 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं अब तक और 2.4 मिलियन शेयर्स हैं। उनमें से एक शेयर मेरा भी था। गोलकास्ट अक्सर इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स की और टेड टॉक्स में से जो पार्ट्स होते हैं, बेस्ट पार्ट्स, वो लगाता है। तो मुनीबा मजारी का वो जो क्लिप था वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अगर आप उसके कमेंट्स, टॉप कमेंट्स पर जाएं तो ज़्यादा गोरों के ही होंगे। उसमें उन्होंने अपनी सारी लाइफ का स्ट्रगल उन्होंने बताई, जो उनकी सारी जर्नी थी, किस तरह उनका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में बिल्कुल पैरालाइज हो जाती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके ज़िंदगी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप बच भी गई तो आप कभी पेंटिंग नहीं कर सकेंगी, आपकी टांगें ज़ाया हो चुकी हैं। पेंटिंग का उनको बहुत हद तक जुनून है। लेकिन फिर उनके भाइयों ने उनको कुछ वो पेंटिंग का सामान ला के दिया और वहाँ से शी डिसाइडेड के नॉट टू लूज होप। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिन दिनों वो क्लिप आया उन दिनों मेरा भी कोई मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा से मैं भी डिप्रेशन का शिकार था, और सीरियसली उस क्लिप ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। एक मजदूर इंसान, टांगें चली गई हैं उसकी, रिलेशनशिप, उसको कुछ नहीं पता कि मेरा अब उसका क्या बनेगा, हाथ ठीक होंगे या नहीं होंगे कुछ पता नहीं, और उस सिचुएशन में मुनीबा मजारी ने जिस तरह कमबैक किया वो हम लोगों को सिर्फ कानों से ही सुनकर अच्छा लग सकता है। उस स्पीच में उनकी कुछ हस्बैंड से मुतालिक भी बातें थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डिफिकल्ट टाइम पे छोड़ दिया। After 2 years of getting married, I'm in a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. आपके हस्बैंड की जानिब से जो सपोर्ट है वो कैसी रही है, और ये सफर आपने गुजारा है अपने हस्बैंड के साथ, ये सफर कैसे गुजरा है? हस्बैंड के साथ जो सफर गुजरा वो एक्सीडेंट का सफर भी हस्बैंड के साथ ही गुजर रहा था। ही वाज ड्राइविंग द कार एंड अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, ही इज परफेक्टली फाइन, और मैं जिंदा बच गई। और उसके बाद हमने देखा कि उनके हस्बैंड ने उनको सू कर दिया, एक लीगल नोटिस भिजवा दिया डिफेमेशन का। ठीक है, नो वरीज, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि चलो पर्सनल कुछ भी हो गया तो ठीक है, उन्होंने भिजवा दिया। मसला कहाँ पे आता है? मसला तब आता है कि जैसे ही उनके हस्बैंड ने उनको सू किया तो एक क्लिप आ गया उनका PTV पर, जो दिया गया इंटरव्यू था 5 साल पुराना, और उस वक्त हालात भी डिफरेंट थे बिल्कुल, और लोगों ने उसको, उस क्लिप को कंपेयर करना शुरू कर दिया जो लेटेस्ट उनकी स्पीच थी जो गोलकास्ट पे लगी थी। यानी कि लोगों को ये फील हुआ कि मुनीबा मजारी की तरफ से दोनों प्लेसेस पे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी गई। हम पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, मुनीबा मजारी का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर उन पर एक रुथलेस किस्म की बैशिंग स्टार्ट कर दी, एक पर्सनल रिलेशनशिप पे जिसके बारे में हमें जीरो इन्फॉर्मेशन है। हमने वही काम किया जो हम अक्सर करते हैं, बगैर रिसर्च के किसी को भी लताड़ देना। हम लोग इतने कंफ्यूज्ड, डिल्यूटेड और रिएक्शनरी हो चुके हैं कि बिना चीजों को समझे, रिसर्च किए बगैर किसी की भी पर्सनल लाइफ में भी हम घुसने का हमें लगता है कि हमारे पास लाइसेंस है, और एक गंवार बकरियों के रेवड़ की तरह हम निकल पड़ते हैं, उस बैंड वैगन पे सवार हो जाते हैं जिसमें हर कोई अपनी बकवासियात, कॉमेंट्री और अपनी बड़ी माहिराना राय का इजहार कर रहा होता है जैसे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, और कोई एंगल ही नहीं छोड़ते कि उस बंदे को किस तरह से डाउन करें हम। और पाकिस्तानियों को तो वैसे भी कामयाब औरत हजम ही नहीं होती। मैं बड़ा हैरान था कि यार मुनीबा मजारी उन चंद, बिल्कुल चंद, 2-3 खवातीन में से होंगी जिनको पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी हुई थी, लेकिन पता लगा जी दिल में आग ही थी। इतनी सी बात क्या आई सामने, कुछ फैक्ट्स का नहीं पता, और हर बंदे ने जी अपनी वॉल पे शुरू कर दिया मुनीबा मजारी झूठी है, मुनीबा मजारी फलानी, ते मुनीबा मजारी टमकानी। पर मैं बिल्कुल गलत था जो समझ रहा था कि मुनीबा मजारी को हमने इज्जत दी हुई है, हमने तो बिल्कुल ही नहीं बख्शा उसे। और हमने इसी तरह किसी भी कामयाब औरत को बैश करने से बाज नहीं आना, क्योंकि वैसे भी एक कामयाब पाकिस्तानी औरत से जेलस होना हमारा कौमी फरीजा है, और इस फरीजे को पूरा किए बगैर हम शायद प्रॉपर पाकिस्तानी नहीं बन सकते। प्लस उनके
इस मामले में कितने पर्सनल पहलू होंगे जिनका हमें 0% इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और जज हम इस तरह करने बैठ गए उनको कि जैसे हम लोग खुद अपने ज़िंदगी के मामलात और अपने रिलेशनशिप्स में 100% फेथफुल हैं और जी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारा बाप हो, बहन भाई दोस्त, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं जी, और हमें राइट है हम किसी की भी पर्सनल मामलात में बोल सकते हैं, उसको बैश कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त आप तो परफेक्ट हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि जी मुनीबा मजारी तो एक पब्लिक फिगर हैं तो उन पर क्रिटिसाइज करना और जी राय रखने का हक हर किसी को होता है, तो सर ये एक पर्सनल मैटर है जो इस वक्त आप लोगों की फेसबुक की फीड्स पे डिस्कस हो रहा है। हर रिलेशनशिप में मसले आते हैं और मैं मानता हूँ कि दोनों साइड से गलती होती है। इस मामले में भी यकीनन मुनीबा मजारी की कहीं ना कहीं जरूर गलती होगी, दूसरी तरफ से भी गलती होगी, और प्लीज़ आप उनका फेसबुक स्टेटस भी पढ़ लें जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि वो जो 5 साल पुराना इंटरव्यू था कि उस वक्त डायनामिक्स और थे, सर्कमस्टांसिस और थे, और हम लोगों ने जी हम तो जज करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले थोड़ी हैं, हम वो जज हैं जो बिना पढ़े जज बन जाते हैं। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जाके पढ़ लीजिएगा जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनके पर्सनल मसाइल का तो हमें नहीं पता, ना ही हम जानना चाहते हैं। हमने तो बस अपना कौमी फरीजा पूरा करना है, एक कामयाब औरत को लताड़ने का। वो किस तरह बची हुई है, उसको लताड़ो, वो कहीं से बच ना पाए। सिर्फ इसी सूरत में तुम सही पाकिस्तानी बन सकते हो। वैसे भी जो बंदी मौत को शिकस्त दे सकती है, टांगे ज़ाया करवा सकती है अपनी, और रिलेशनशिप उसका ब्रेकअप हो जाता है, उस सूरत में भी अगर वो लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकती है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये हर्डल है, ये छोटी सी है उसके सामने। तो मुनीबा स्टे स्ट्रॉन्ग, और हमें ज़्यादा अपने कैरेक्टर की फिक्र करनी चाहिए ना कि दूसरों की। अगर आप समझते हैं कि कमेंट्स और फीडबैक ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे आपका पॉइंटलेस एंगर बहुत मैटर करता है, तो सर वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बल्कि वो किसी की जान ले सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया बैशिंग की वजह से एक अमेरिकन मॉडल ने खुदकुशी किया और उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तो किसी को उनके पर्सनल मामलात पर जज करने के बजाय, बैशिंग करने के बजाय, और वो भी तब जब हमें हकायक का बिल्कुल भी इल्म ना हो, पर्सनल हकायक का, अपनी माहिराना राय प्लीज़ अपने पास ही रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में आपके उस कमेंट की वजह से किसी की जान चली जाए। तो सोचिए इसके बारे में।